ये हमारे मरहूम चौधरी रही के जो साथी थे वहां उत्तर प्रदेश से आए हैं, लखीमपुरी लखीमपुर खीरी क्या जिला है लखीमपुर खीरी, और इनका दादा का नाम बाबू का है। ये हमारे वालिद साहब के साथी थे इनके दादा। अब आप अंदाजा लगाइए 200-250 किलोमीटर चल के यहाँ आए हैं, 700 किलोमीटर चल के यहाँ आए हैं, तो ये हमारे वालिद साहब की कमाई है। आपने अच्छी तरह हमारे वालिद मरहूम साहब के कारना में कार्य इकराम आने से ही आपके सामने है, तो सबसे पहले मैं शुक्रिया करता हूँ कि जो हमारे वालिद साहब की मोहब्बत में चलकर अपने दादा की मोहब्बत में चलकर यहाँ निभाए हमारा हौसला बढ़ाया है। तो मैं सलवार भाई आपको विश्वास कराता हूँ जो हमारे आपके बाबा की दादा की जो यारी दोस्ती थी वो तो शर्मा के प्यार सब प्यारे नहीं हुए। 17 नवंबर को उनको अभिनंदन हो गया और वालिद साहब का भी हो गया। बहरहाल हरमत से आप लोगों में से जो भी साहब के बारे में जानते हैं, भाई सुभाष के बारे में जानते हैं, अगर जानते भी नहीं है तो बहन नौ छी के बारे में आप लोग नहीं जान पाए क्योंकि वो तो अमेरिका नहीं है और वापस अमेरिका ही उन्होंने यहाँ से जाना है। क्या हुआ वो कभी चली जाए का कोई पहले रहा था। बहरहाल आपके बुजुर्गों के हमारी और जब जब बूढ़ो बड़ो भद्र हो बाबा वहां पूछ लियो जब विदेश की जब विदेश चरार की चावल की तो बाबा का पे जाग रहे हम तो बाबा हच्चे रखने नावर बहुत बहुत छोटी थी। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोग के हमारे बुजुर्गों में बहुत पुराने बहुत इतना ज्यादा सम्मान था वो किसी लीडर को उन्होंने सम्मान नहीं दिया हमारे वाले साहब को दिया। भाई रिश्तेदारों मैं बताऊं बात हम दोनों भाई इंशाअल्लाह अपने बाप की मोहब्बत को कायम रखेंगे और वहां जहां नौगैया के पास हुआ मौजूद है शायद नौगांव के भी यहाँ कोई आदमी होगा वो आपका बड़ा गांव है पूरे इलाके की सरदारी यहाँ मौजूद है। हम हमारी तन मन धन से अपने वालिद साहब की अपनी मोहब्बत को खत्म नहीं होने देंगे। आने वाली आपकी तादाद से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है शायद आने वाली 24 तारीख को शायद नहीं बल्कि यकीन है पूरा यकीन है अब हाथ में पंजे में मोहर लगाएंगे और मेरे जैसे ठाकुर सिंह शांत को आप ऐसे भेजने का काम करेंगे और चौकीदार बनाने का काम करेंगे और जब मैं आपके असेंबली मेंबर बन जाऊंगा मैं आपका चौकीदार बन जाऊंगा हम दोनों भाई आपकी चौकट पे बैठ के इंशाल्लाह आपकी सेवा करेंगे। और इधर ही सारे कल्याण ने उन्होंने कोई फायदा नहीं होगा उसके नाम ने ऐसे अपने जवाब भी उसके अखलाक का कारण जो है ना हम तो एक बात कह सका एक आम आवाज हमें यहाँ आती है कि लोगों में उसको थोड़ा डर है आज बड़ी दहशत है कि यार अगर यू निकल गो ना फिर मुझे भाई को खाना तहसील में सरपंच के यू के सदे इतने फिर लूटे हो ऐसा है एक जंगल हो जंगल और वहां पर सभी तरह के जानवर रहेंगे रहे। एक दिन शेर जो है वो शिकार आठ दूर चलती हूँ जंगल में वाकई एक रोक के हाथ बाकी रोक रोके ना रहे रोके रोके नहीं रोक रोक शेर के हाथ बाकी अब शेर ने मुंह भरो भागो थोड़ी बहुत झाड़ बगा रहे खाए ना छोड़ रो और शेर को लोगों का मुकाबला है का मुझे तो क्या मत समझो हम बड़ी बात नहीं कह रहे बड़ी बात तो बात
और जान मत दिए थे तो वही आज चौगाने की मोटा की जो जो छह में जमा हो जाते हैं नहीं सही खाल बची है न्याय मिला छोड़ जब और वहाँ वाले कहीं का नहीं सुस जंगल में सब चल के भर 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 और सारे जानवर ने खावा वो गाने भी खा गई जब और जान मत चलेगा नहीं सुस अरे तू जंगल के गाने का क्या हुआ तू जंगल के गाने तेरे खाए और बाहर आने जंगल में तेरे के लिए छोटा वाले के सब चल के फरमूर खा गए तू जंगल की गाने से खाए तेरा नहीं और वही सब छोड़ो मल्ले ठीक है अब क्यों खाए वो बाहर सभी बाहर बाहर आजाने को भाई भाई अगर कब तक कोई आ जाओ बड़ी बात हुआ है पहले छेड़ेंगे नहीं बाद में छोड़ेंगे नहीं अगर हमने ये बात ना करी कुरान गए तो इनको भी खास नहीं की चीज और भाई वो सुन चिंग चिंग ना कहते अभी शेर के ठेंगे ना कहते